जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर की क्लास में काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज की संख्या को काउंट करना सीखेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से स्क्वायर की संख्या, रेक्टेंगल की संख्या और अनली रेक्टेंगल की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। आपसे प्रश्न पूछेगा कुल वर्गों की संख्या बताइए, तो उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, कुल आयत की संख्या बताइए, इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए, वर्ग जब बनाते हैं और जब आयत बनाते हैं, तो इसमें एक इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है कि सिर्फ आयत की संख्या। अब देखिए, सिर्फ आयत कहने का मतलब क्या है कि जब आप आयत सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें वर्ग अपने आप आ जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक आकृति कुछ इस प्रकार बनी है, इसमें आपने जब आयत को सेलेक्ट किया तो इसमें वर्ग भी शामिल हो जाएगा। तो तीसरा वर्जन क्या होता है कि आपसे कहेगा ना कि ओनली रेक्टेंगल, मतलब अब जो वर्ग आपने शामिल किया इसे निकाल दीजिएगा, सिर्फ रेक्टेंगल की संख्या को बताइएगा। तो देखिए, जब वर्ग की संख्या कहेगा तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे की प्रश्नों के साथ सीखेंगे, रेक्टेंगल की संख्या ये भी सीखेंगे। लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल मतलब सिर्फ आयत की संख्या बताइए, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है आपको कि ओनली रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर। जितना भी रेक्टेंगल है उसमें से स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो आपको ओनली रेक्टेंगल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से स्क्वायर रेक्टेंगल को कैलकुलेट किया जाता है, और अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक आकृति दिया गया, इसमें हम लोग तीनों प्रश्नों को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, वर्ग की संख्या, आयत की संख्या और सिर्फ आयत की संख्या। देखिए, जब कभी भी आपको आकृति मिलेगी तो आकृति दो प्रकार की होगी, एक आकृति सिमेट्रिकल होगी और एक नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे देखिए, आप यहाँ पर अगर रो और कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक दो दोनों समान है, मतलब ये सिमेट्रिकल आकृति है। इसी प्रकार देखिए, इसमें भी देखिएगा एक दो तीन है ना, इधर से देखो एक दो तीन, रो और कॉलम समान है, मतलब ये भी सिमेट्रिकल है। तो जब कभी भी आपके सामने सिमेट्रिकल आकृति मिलेगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की संख्या। देखिए, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, देखिए जो नंबर आपको दिख रहा है जैसे एक दो है ना, जितना भी नंबर तक रहेगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, जहां तक आपको दिखेगा आप इसे बस जोड़ते जाएंगे। तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, इसका आंसर आ जाएगा पांच। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है पांच। इसी प्रकार देखिए, यहां पर तीन है, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तीन तिरिक्का नौ, नौ एक दस और चार चौदह, तो कुल वर्गों की संख्या चौदह हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रेक्टेंगल निकालना हो, रेक्टेंगल मतलब आयत की बात करें है ना, आपसे पूछे कि रेक्टेंगल्स की संख्या क्या होगी है ना, तो देखिए रेक्टेंगल की संख्या निकालने का लॉजिक थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर्स है, जैसे देखिए एक और दो है ना, तो इसमें एक और दो को जोड़ेंगे, एक प्लस दो मतलब रो को ऐड करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम को ऐड करके, वन प्लस टू। देखिए वन प्लस टू अगर आप देखेंगे थ्री हो जाएगा है ना, यहाँ पर भी थ्री हो जाएगा, तीन तिरिक्का नौ, इसमें रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है नौ। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक दो तीन, तीनों को जोड़ने पे आएगा छः है ना, फिर एक दो तीन इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा छः, छः छः का छत्तीस, तो इसमें आयत की संख्या कितनी है छत्तीस हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे ओनली रेक्टेंगल सिर्फ आयत है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ओनली रेक्टेंगल, अगर सिर्फ आयत की बात करेगा तो आपको लिखना है रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर। रेक्टेंगल्स की संख्या नौ है ना, तो नौ और माइनस में चार करेंगे तो आंसर, माइनस में पांच करेंगे, यहाँ पे गलती से मैंने चार लिख दिया दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा चार। इसमें ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं चार। वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए छत्तीस हो जाएगा, छत्तीस में से आप चौदह को माइनस करेंगे तो बाईस,
जो सिर्फ आए थे उनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। जब कभी भी सिमेट्रिकल डायग्राम मिलेगा जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, अगर स्क्वायर निकालना होगा तो जितने भी आपको रो या कॉलम मिलेंगे आप उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, लास्ट में एन स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो है तो मैंने दो तक किया, यहाँ पे तीन है तो तीन तक किया। इसके बाद रेक्टेंगल की बात करना है तो इसमें आप ऐड करेंगे, जैसे एक दो इसको ऐड करेंगे तीन हो गया, और फिर एक दो इसको ऐड करके इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। और अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करेगा तो रेक्टेंगल में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक अलग प्रकार का प्रश्न है, ये अब सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर है नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल ना हो, तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार है ना, और यहाँ पर देखिए दो तीन, अगर रो और कॉलम देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। इसमें जैसे इस प्रश्न में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और इधर आप देखिएगा दो तीन चार और पाँच, ये दोनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको निकालना है स्क्वायर है ना, देखिए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग है ना। स्क्वायर का तरीका ये होता है कि आप जैसे देखिए सबसे बड़े नंबर का मल्टीप्लाई सबसे बड़े नंबर से करें, जैसे चार का मल्टीप्लाई तीन से कराएंगे है ना, लिखेंगे चार गुणे तीन है ना, प्लस अब एक एक कम करेंगे तीन गुणे दो है ना, तीन गुणे दो है ना, और प्लस फिर एक एक कम करेंगे दो गुणे और एक, जहां पर एक मिल जाएगा वहीं पर रुक जाना है, चाहे कितना भी, मतलब दूसरा वाला नंबर चाहे जितना बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक मिल गया तो आप रुक जाएंगे। चार दें बारह, बारह और छह अठारह, अठारह और दो बीस, तो कुल वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी है, बीस। ठीक इसी प्रकार इसमें देखेगा, जैसे देखिए यहाँ पर पांच का मल्टीप्लाई तीस से कराएंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, या चलिए यहीं लिखते हैं पांच छह का तीस है ना, फिर चार का मल्टीप्लाई पांच से कराएंगे, चार पंचे बीस है ना, आगे तीन का मल्टीप्लाई चार से कराएंगे, चार दें बारह है ना, फिर दो का मल्टीप्लाई तीन से कराएंगे है ना, तो यहाँ पर दो तीन छः, और एक का मल्टीप्लाई दो से कराएंगे। देखिए बारह छः अठारह और दो बीस, बीस चालीस और तीस सत्तर, वर्गों की संख्या कितनी है, सत्तर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स निकालने का लॉजिक वही पिछला वाला रहेगा, आपको कुछ अलग नहीं करना है। देखिए एक दो तीन चार इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा दस है ना, फिर एक दो तीन इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा छः, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे दस छः का साठ। इसी प्रकार इसमें भी आप कर लेंगे, देखिए आराम से, देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, ये इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा इक्कीस, आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा, और एक दो तीन चार पाँच है ना, देखिए पाँच चार नौ और तीन बारह तीन पंद्रह, यहाँ पर इक्कीस और पंद्रह का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल उत्तर बनेगा। तो 150, 300 और यहाँ पर 315, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या, कुल आयत की संख्या हो जाएगी 315। लेकिन अगर आपको सिर्फ आयत बोले, मतलब ओनली रेक्टेंगल्स की अगर बात करेगा तब क्या करेंगे, देखिए ये जो आयत है 60 है ना, 60 में से किसको घटाएंगे, 60 में से माइनस करेंगे 20 को, तो जो ओनली रेक्टेंगल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और इसी प्रकार अगर दूसरे प्रश्न में देखेंगे तो 315 है, 315 में से माइनस करेंगे 70 को है ना, तो जो ओनली रेक्टेंगल आएगा ये 315 में से जब आप 70 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, और ये 11 में से गया 4, 245, तो इसमें 245 ओनली रेक्टेंगल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये दो आकृतियाँ बनी, ये क्या बताना चाहते हैं, देखिए इन आकृतियों से प्रश्न जब भी आएंगे ये स्पेशल वर्ग का प्रश्न बनेगा, मतलब इसमें आपको स्क्वायर निकालना होगा। जब भी ऐसी आकृति बनेगी तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि स्क्वायर होंगे पाँच है ना, एक एक करके भी आप ढूंढ सकते हैं। ऐसी आकृति में स्क्वायर होंगे छः, देखिए एक एक करके अगर ढूंढना है तो आप कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ये दिख रहा है, ये पहला वाला रहा, यहाँ पर ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है ना, ये आपका चौथा स्क्वायर है, चार हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला ये पाँच, तो स्क्वायर की संख्या पाँच। अगर इस प्रश्न की बात करेंगे, देखिए एक ये छोटा वाला स्क्वायर है एक, यहाँ पर ये दूसरा दो, ये तीसरा स्क्वायर है तीन, ये स्क्वायर चौथा है चार है ना, एक पूरा बड़ा वाला स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर संख्या पाँच, और ये एक बीच में जो बन रहा है आप इसे रेड कलर से देख लीजिएगा स्क्वायर संख्या छः, तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी छः। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया जिसमें आपको कुल स्क्वायर की संख्या बताना है। देखिए सबसे पहले आप इस नीचे वाले स्क्वायर को देखिएगा है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल पाँच स्क्वायर मिलेंगे। इसके बाहर आइएगा, यहाँ पर भी आपको कितने स्क्वायर मिलेंगे, पाँच मिलेंगे, पाँच और पाँच दस हो गया। आप और बाहर आइए, यहाँ पर भी आपको कितने स्क्वायर मिलेंगे, पाँच मिलेंगे, तो पाँच यहाँ पर भी मिल गया, पाँच तीन पंद्रह, तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या है पंद्रह। अगले स्लाइड पर आते, नेक्स्ट देखिए, अब जब कभी भी ऐसा
आपको प्रश्न दिखेगा तो ये 100% मतलब हमेशा जो रहेगा आयत की संख्या की बात करेगा। जब कभी भी एक लाइन में ऐसे आपको ये खंड दिखाई दे तो आयत की संख्या याद रखेगा 1, 2, 3, 4, जैसे चार खंड है ना, सबको जोड़ देना, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, इस आकृति में आयतों की संख्या 10। इसका कॉन्सेप्ट करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, इसमें आपको बताना है कुल कितने आयत हो जाएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिए सबसे पहले आप इस खंड को देखिएगा, ये जो खंड यहाँ पर बना है रेड कलर से दिख रहा है आपको, देखिए 1, 2, 3, 4, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप ब्लू कलर के लाइन को देख सकते, देखिए अगर आप इसे देखेंगे, है ना, सेम वही पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा, 1, 2, 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, 10 आपने इधर से लिया, 10 इधर से लिया, ये वाला जो खंड है ये दो बार नहीं है, रेड वाले में भी आ गया और फिर ग्रीन ब्लू वाले में भी आ गया, तो एक बार माइनस करेंगे क्योंकि भाई दो बार सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो एक माइनस कर देंगे, है ना, तो बचा 9, है ना। तो 10 पहले था, 9 यहाँ पर है, 10 और 19, है ना, तो ये 19 है इसमें कुल आयत। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रयोग होते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर ओनली रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा कर ली है। अब अगली वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, और साथ में जो कुछ कॉन्सेप्ट अगर बच रहे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी क्लास रही रीजनिंग की, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विशेष सहायता कर सकते हैं, आप चाहे वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीसीएस एग्जाम की। और दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, या नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, है ना, आपको बस ऐसे ज्ञान सर लिखना है तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।